नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेशन है तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते हैं यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान रखिएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ एट फाइव फोर फॉर जो फाइव जीरो नाइन टी जो सिक्स जो एट नाइन सेवन फाइव टू एट सी फोर फाइव फाइव यही नंबर है हमारे सिर्फ जहाँ पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विस है ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा एट द रेट स्टडी फॉर सिविल है चलिए तो शुरुआत करते हैं हम हमारी चतुर्थ संस्करण की 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हिंदी माध्यम में हमारा लिस्टिंग वीडियो सामान्य विज्ञान का आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि सामान्य विज्ञान वाला जो भाग है वो हमारे पेपर के लिए कितना जरूरी है कितने सारे सवाल हर साल अकेले सामान्य विज्ञान से पूछे जाते हैं तो इसमें हम तीनों ही पार्ट अच्छे से कवर करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही आप हमारे पेड ग्रुप के लिए जिसमें हमारी जितनी भी ये वीडियोज हम आपको फ्रीली अवेलेबल कराते हैं इनकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं लेना बहुत ही कम पेजेस की पीडीएफ है अगर टोटल मटेरियल देखेंगे आप सारे सब्जेक्ट्स का तो वो 780 से सात पेजेस लगभग बैठता है मटेरियल तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं कम टाइम में उसको ज्वाइन करने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पीडीएफ को आप संपर्क कर सकते हैं इन नंबर्स पे और ये दिया हुआ है ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर तो शुरुआत करेंगे हम हमारे लिस्टिंग सामान्य विज्ञान भौतिक विज्ञान से शुरू करेंगे फिजिक्स से अब कुछ यंत्र और उपकरण दिए हुए हैं और उनके उपयोग दिए हुए हैं नाम और उपयोग मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में और डायरेक्टली भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा गलत दिया हुआ है तो इस सब में ये सवाल काफी पूछे जाते हैं वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो थोड़ा लगा के देखने हैं जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक पढ़ाया जा रहा है तो देख लीजिए फोनोग्राफ फोनोग्राफ किस लिए होता है ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए जो ध्वनि तरंगे होते हैं और ध्वनि की जो तीव्रता होती है को मेजर करने के लिए उसके स्तर को ज्ञात करने के लिए कौन सा यूज़ होता है? फोनोमीटर, फोनोग्राफ और मीटर देखिए दोनों में फर्क है और वो दोनों फर्क मैंने आपको यहां पे बता दिए हैं फोटोमीटर फोटो photo का मतलब होता है दो स्त्रोतों की प्रदीपन एवं तीव्रता की तुलना करने के में काम आने वाला उपकरण कंपैरिजन करने वाला ये उपकरण है फोटोग्राफिक कैमरा ये किसी की किसी भी वस्तु की फोटो लेने वाला उपकरण है फोटो टेलीग्राफ टेलीग्राफ क्या होता है टेलीग्राफ किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई पहुंचाने वाला किसी मैसेज को तो फोटोग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यहां पे फोटोग्राफ तो को पहुंचाने वाला है ये तो फोटो टेलीग्राफ हो गया पिपेट ये द्रव का निश्चित आयतन

द्रवों के घनत्व तथा प्रसार गुणांक इनको मापने वाला ये यंत्र है और पाइरोमीटर क्या है ये उच्च ताप बहुत ही हाई टेम्परेचर मापने वाला यंत्र है रेलियोमीटर देख लीजिए पाइकनो पोटो पाइरो सब इकट्ठा इसलिए दिए हुए हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो ये सौर विकिरण नापता है कॉन्ड्रिट ये नौचालन तथा तो खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोणों का मापने वाला यंत्र है रडार आप जानते हैं दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र बॉलीवुड मूवीज जो देखता है वो रडार जैसी चीज़ें उसको जरूर पता होंगी रेडिएटर ये मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा रखता है रेडियोमीटर ये विकिरण को मापता है सौर पार, और सिर्फ विकरण की बात करें तो रेडियोमीटर रेडियो, रेडियो माइक्रोमीटर यह उष्मीय को मापता है देख लीजिए आप सौर विकिरण किरण विकिरण यहीं पे डाल के वो पेपर में कंफ्यूज करेगा गॉज क्या होता है ये वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र होता है रिफ्रैक्ट्रोमीटर ये पारदर्शक माध्यमों को अपतनांक ज्ञात करने वाला पारदर्शक जो माध्यम है उनका अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है रेफ्रिजरेटर तो बताने की जरूरत है ही नहीं शायद खाद्य पदार्थों को के संरक्षण में उपयोग किए जाने वाला ये संरक्षण शब्द ध्यान रखिएगा हमें लगता है सिर्फ ठंडा करता है ठंडा करने से ही तो प्रिजर्व करता है सेक्रोमीटर ये शर्करा की सांद्रता सांता सांद्रता मापने वाला यंत्र है सेफ्टी लैंप क्या होता है प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है खानों में दुर्घटना रोकने हेतु उपयोग में लाए जाने वाला उपयंत्र है खान माइंस स्क्रूगॉज क्या होता है महीन तारों का व्यास मापता है जो बहुत पतली पतली तार होती हैं उनका व्यास नापता है सेस्मोग्राफ भूकंपीय भु, तीव्रता नापने वाला यंत्र है और सेस्मोमीटर क्या है ये भूकंपीय जो तरंगे होती हैं अर्थक्वेक जो वेव्स होती हैं उनकी जो इंटेंसिटी है उनकी जो तीव्रता है वो मापता है सेक्सटेंट क्या होता है ऊंचाई को नापने के काम आता है ये मैं आपको पूरा पढ़ने पूरा पढ़ पढ़ के बताऊं उससे बेटर है सिर्फ आपको एक कीवर्ड पता होना चाहिए जिससे आपका सवाल ठीक हो जाए स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है ये स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करता है स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति नापता है स्फेरोमीटर क्या होता है ये सतह की वक्रता मापता है स्पिग्नोमैनोमीटर आप जानते हैं धमनियों में रुधिर के दाब को बीपी वाला जो मेजरमेंट है वो करता है ये स्फिग्नो स्मिग्मोफोन ये नाड़ी की गति को तेज ध्वनि में सुनने हेतु प्रयोग में आने वाला यंत्र है और स्फिग्मोस्कोप देख लीजिए सारे इकट्ठा दिए हुए हैं नाड़ियों की गति के कंपन का अध्ययन करता है ये और स्टीरियोस्कोप द्विमीय चित्र लेने के काम आने वाला यंत्र कौन से होते हैं द्विमीय चित्र बताइए जरा मुझे लिख के कॉमेंट में स्टेटोस्कोप ये हृदय तथा फेफड़ों की आवाज सुनते हैं इस यंत्र को उपयोग करके जो मैं सवाल पूछ रही हूं वो आपको बताना है देखिए यहां मैं पहला सवाल पूछ चुकी हूं आपसे अब ध्यान रखिए मुझे आप नंबर वन करके कमेंट करके बताइए स्टॉपवॉच तो जानते हैं आप समय की सही विधि अवधि बताने वाला यंत्र स्ट्रेबोस्कोप गति गति से घूमने वाली जो वस्तुएं हैं उनकी ज्ञात करता है टैचियोमीटर या टैक्योमीटर सर्वेक्षण के समय दूरी उन्नयन आदि मापने वाला थियोडोलाइट जैसा ये एक यंत्र होता है टैकोमीटर क्या होता है ये वायुयान की गति मापता है और टैक्सीमीटर जानते हैं आप टैक्सियों में जो किराया प्रदर्शित करती है ना मशीन वो थर्मोस्टेट स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला यंत्र ट्रांसफॉर्मर एसी विद्युत की वोल्टेज को या अधिक करने वाला ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसको या ज्यादा करने का यंत्र है ट्रांजिस्टर ये करंट का विस्तार करके अन्य कार्य करा, करा, कराने में सहायता करता है टर्बाइन ये वो यंत्र है जिसके द्वारा बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित कर यांत्रिक कार्य किया जाता है यूडोमीटर या रेन आप जानते हैं वर्षा मापक है ये भी। मतलब रेन को यूडोमीटर के नाम से भी अगर आए तो वो रेनगॉज ही है सेम ही है वो दोनों अल्ट्रासोनोस्कोप ये मस्तिष्क का जो ट्यूमर होता है उसको पता लगाता है हृदय के दोषों को ज्ञात करता है विस्कोमीटर ये द्रवों की श्यंता ज्ञात करता है वोल्टमीटर दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है उसको मापता है वॉट मीटर क्या होता है ये विद्युत शक्ति मापने वाला यंत्र है वेव मीटर किसी रेडियो तरंग की तरंग धैर्य मापने वाला ये यंत्र है जेरोक्सन जेरोक्स मशीन जेरोक्स मशीन फोटोकॉपी मशीन लेखन सामग्री की प्रति बनाने वाला यंत्र एक्सरे मशीन मानव शरीर के आंतरिक भागों का छायांकन करने वाली ये मशीन होती है जाइलोफोन क्या होता है एक वाद्य यंत्र होता है ये आप लोगों ने देखा होगा नहीं देखा है तो गूगल करके देख लीजिए जिंकोग्राफ जस्ता पर मुद्रण करने वाला ये उपकरण है वैक्यूम क्लीनर धूल साफ करता है सोफे साफ करने के लिए बहुत आजकल लोग खरीद रहे हैं छोटे छोटे भी आ रहे हो बड़े देखा हो किसी ने तो वॉन्डीग्राफ जनरेटर क्या होता है ये उच्च विध्वंतर को पैदा करता है वेंचुरी मीटर क्या होता है द्रवों में जो प्रभाव की गति होती है उसको मापने वाला ये यंत्र है देखिए इसमें समझाने का कुछ नहीं है कुछ कमेंट्स आते हैं आप समझा नहीं रही हैं सिर्फ बता रही हैं लिस्टिंग का और मतलब क्या है इसमें एक जगह लिस्ट आउट की जा रही है चीजें सारी चीजों को एकत्रित करके कंसोलिडेट कर रहे हैं पेपर से पहले जिससे आपका रिविजन बढ़िया हो जाए वीडियोफोन ये एक ऐसा टेलीफोन है जिसमें आवाज के साथ साथ फोटो भी आता है टेलेक्स दो देशों के मध्य समाचारों का जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट आदान प्रदान जो होता है उसमें यह सहायक उपकरण है टेलीमीटर सुदूर होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करता है ये यंत्र टेलीप्रिंटर क्या करता है दूरस्थ टेलीग्राफ संदेशों को स्वयं ग्रहण करके टंकन करने वाला ये यंत्र है टेलीस्कोप दूरस्थ चीजों को नजदीक से देखते हैं ये तो देखा होगा आप लोगों में से बहुत ने थियोडोलाइट क्या होता है अनुप्रस्थ तथा लंबं लंबवत कोणों की माप क्या करने के समय जो काम आता है वो वाला ये उपकरण है थर्मामीटर सबके घरों में होता है मानव शरीर का तापमान बताता है कितना होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान सेकंड क्वेश्चन कमेंट करिए थर्मोपाइल ये विकिरण तीवता मापने का यंत्र है और ऑल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त ये यंत्र है एमीटर क्या होता है विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है ये एनिमोमीटर वायु की शक्ति और गति वायु की शक्ति और गति और ये विद्युत धारा को एम्पियर में करें तो एमीटर ये भी लिखा हुआ है सेंटेंस और पूछे ये किस चीज के लिए क्या होता है वो उपकरण तो आपको पता होना चाहिए ऐसे इधर से इधर भी इधर से इधर भी पता होना चाहिए इधर से इधर भी पता होना चाहिए सवाल कैसे भी आ सकता है एपिकायोस्कोप अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने का यह काम करता है ऑडियोमीटर क्या होता है व्यक्तियों की की श्रवण क्षमता मापता मापता है साउंड लेवल मीटर ध्वनि तीव्रता ऑडियो फोन सुनने में सहायता के लिए कान में लगाया जाता है उपकरण और क्या होता है कान के जो आ, इं, इंटरनल पार्ट्स होते हैं आंतरिक जो भाग होते हैं उसका निरीक्षण करता है ये एवोमीटर क्या होता है रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाता है एक्सेलरोमीटर वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का ये यंत्र है और एक्यूमिलेटर विद्युत ऊर्जा को संचित करता है ये एक्टेनोमीटर किरणों की तीव्रता का निर्धारण करता है सूर्य किरणों से संबंधित ऊपर भी दो चीजें बताई जा चुकी हैं और यह है तीसरी तीनों के बीच का फर्क पता होना चाहिए तभी सवाल आप सही कर पाएंगे एरोमीटर ये वायु तथा तो गैसों के भार तथा तो घनत्व को मापता है उनका वेट प्लस उनकी डेंसिटी कैलिपर्स क्या होते हैं ये बेलनाकर वस्तुओं के अंदर तथा तो भार का व्यास मापते हैं कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापता है कार्बोरेटर अंत दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त होता है जा आप जानते हैं बोलोमीटर ऊष्मीय विकरण को मापता है एक और भी देखा था आपने उष्मीय विकरण को मापने वाला यंत्र ऊपर बैरोग्राफ ये वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ है उसको अंकित करने के लिए बैरोग्राफ इस्तेमाल होता है और बैरोमीटर क्या होता है वायुमंडलीय दाब डायरेक्ट नापता है ये परिवर्तन नहीं दाब और दाब में होने वाला परिवर्तन बैरोग्राफ ग्राफ पे आप परिवर्तन ही तो मार्क करते हैं बाइनोकुलर्स क्या होती है दूरबीन वस्तुओं को आवधृत कर दिखाने वाला यंत्र अवधित कर दिखाता है ये कार्डियोग्राम क्या होता है हृदय गति को मापता है मनुष्य की हृदय गति कार्डियोग्राफ गति को अभिलेखित करता है कैथेटोमीटर वैज्ञानिक प्रयोग में ऊंचाई स्तर आदि मापने वाला उपकरण कैथोड किरण नलिका इलेक्ट्रॉन आदि के उत्सर्जन में काम आने वाला नलीनुमा नुमा ये एक उपकरण है और क्रोनोमीटर पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करता है ये यंत्र कंप्यूटेटर कम्यूटेटर क्या होता है विद्युत प्रवाह की दिशा को बदलने वाला उपकरण एसी को डीसी में बदलता है कंपास बॉक्स आप जानते हैं किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करने वाला दिशा देख लीजिए कुलिज नली का एक्सकिनों का उत्पादन करने में प्रयुक्त नलीनुमा उपकरण क्रेस्कोग्राफ ये पौधों की वृद्धि को दर्शाता है कितनी ग्रोथ हो रही है प्लांट्स में क्रायोमीटर जो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसके आसपास के मतलब बहुत ही कम तापमानों को क्रायोमीटर नापता है साइक्लोट्रोन अधिक आवेशित कण को त्वरित किया जाने वाला यंत्र है साइटोट्रोन, साइक्लोट्रोन और साइटोट्रोन एक कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण है डेनियल सेल क्या होता है किसी परिपथ में दृष्ट

कन्वर्ट होती किसमें विद्युत ऊर्जा में डायनोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने वाला ये यंत्र है इलेक्ट्रिक मीटर जो ये ऐसे वाले हैं ना जो ऊर्जाओं को एक ऊर्जा से दूसरे में परिवर्तित करते हैं वो आपको अलग से भी कराए जाएंगे सारे यही से आपके कवर हो जाएंगे सारे कहीं से भी आपको और फिर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं चलिए अभी देख लेते हैं जो बचे हुए हैं इलेक्ट्रिक मीटर डायनोमीटर हो गया इलेक्ट्रिक मीटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत विद्युत को को यांत्रिक में। यांत्रिक को में में ऊपर आपने तो ऐसे वाले जितने भी है ना सारे वो सारे करा दिए जाएंगे आपको अभी इलेक्ट्रॉ एंसिफिलोग्राफ ये क्या होता है मस्तिष्क विभव को नापता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के काम आता है आप जानते हैं उसको जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक जीवाणु हैं उनको ये देखने में काम आता है इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला ये यंत्र है इंडोस्कोप क्या होता है मानव शरीर के अंदर के भाग जो देखते हैं एंडोस्कोप जिसको बोलते हैं ई से होती है स्पेलिंग इंग्लिश में और एपिडायोस्कोप क्या होता है चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किए जाने वाले ये उपकरण है एस्केलेटर चलती हुई यंत्रिक सीढ़ियां हैं और फैदोमीटर समुद्र की गहराई फैटोमीटर भी बोलते हैं उसको पर वो टी एच होता है तो इस हिसाब से हिंदी में ऐसे लिखा है समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र अग्निशामक आग बुझाने वाला यंत्र और फ्लक्स मीटर चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसको मापता है ये कैलवेनोमीटर आप जानते हैं विद्युत धारा की जो उपस्थिति है उसको ज्ञात करता है और ग्रेनोंग श्वसन मापी ये श्वसन गुणांक को मापता है और गाइलर मुरर जीएम जिसको बोलते हैं ये रेडियो सक्रिय स्रोत के विकरण की गणना करता है जीएम काउंटर जिसको कहते हैं और ग्रेवोमीटर ये पानी के अंदर जो तेल की उपस्थिति होती है कितना तेल है पानी में उसको पता लगाते हैं गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करता है हार्ट लंग मशीन हृदय और फेफड़ों का ऑपरेशन करते समय काम आने वाला उपकरण हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापता है ये यंत्र हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना काम की गणना कर, करने में काम आने वाला उपकरण हाइग्रोमीटर ये वायुमंडलीय आर्द्रता मापता है ह्यूमिडिटी uh, हाइग्रोस्कोप ये आर्द्रता में परिवर्तन दिखाता है देखिए इसी में कंफ्यूज होंगे आप स्कोप मीटर ग्राफ इनमें तीनों का फर्क ध्यान रखिएगा इनक्यूबेटर क्या होता है, एक पारदर्शी है जिसमें अनुकूल स्थिति बनाकर उसमें समय पूर्व जन्म जन्मे बच्चे को रखा जाता है नर्सरी जिसको बोलते हैं आजकल वो है ये जैक क्या होता है भारी चीजों को एक छोटी दूरी पर उठाने का काम करता है आप पता होगा आपको जैक क्या होता है कैलिडोस्कोप भिन्न भिन्न प्रकार की रेखा गणित आकृतियों को देखने के काम आने वाला ये उपकरण है क्राइमोग्राफ क्या होता है हृदय और फेफड़ों की गति स्पंदन का ग्राफ अंकित करता है यह उपकरण अभी आपको लग रहा होगा बहुत सारे हैं क्या सारे याद करने हैं मैम ये क्वेश्चन बहुत आता है मेरे पास बात इतनी है आपको दो बार वीडियो देख के जाना है बाकी काम आपका दिमाग खुद कर लेगा थोड़ा सा भरोसा करिए अपने दिमाग पर अपने आंखों पर भाई आप खुद भी तो पढ़ ही सकते हैं ना इन चीजों को तो वीडियो क्यों बनाई जा रही है आपके लिए जिससे आप साथ बैठ के एक बार चीजें कंप्लीट कर लें लैक्टोमीटर ये दूध की शुद्धता नापता है तड़क चालक आकाशीय बिजली से बचाव के लिए ऊंची ऊंची इमारतों में लगाया जाने वाला उपकरण है और लाउड स्पीकर तो आवाज को तीव्र आवाज में परिवर्तन करने वाला उपकरण है मैकमीटर वायुयान की गति को ध्वनि की गति के सापेक्ष जो है ये मापता है और मैग्नेटोमीटर चुंबी के संचलन एवं क्षेत्रों की तुलना करने वाला ये उपकरण है मैनोमीटर गैसों का दाब मापता है ये यंत्र और मेगाफोन ध्वनि को दूर स्थानों पर ले जाने वाला उपकरण माइक्रोमीटर मिलीमीटर के हजारवे भाग को सोचिए मिलीमीटर का भी हजारवा भाग उसको ज्ञात कर सकता है ये उपकरण माइक्रोफोन क्या करता है ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है किन तरंगों को किस में कर रहा है देखिए थोड़ा सा ध्यान इन चीजों पर दे लीजिए माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने का यंत्र है माइक्रोटोम किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए ये काम आता है और नेफेटोमीटर क्या होता है तरल में अघुलनशील जो कण हैं, उनके द्वारा होने वाले प्रकाश के को मापता है उपकरण ओडोमीटर क्या करता है वाहनों के जो जितने वाहन होते हैं उनके जो पहिए होते हैं उनमें उनके द्वारा तय गई दूरी नापता है ये ओमीटर विद्युत चुंबे के तरंगों की आवृत्ति को मापने वाला ये उपकरण है और ऑसिलोग्राफ विद्युतीय और यांत्रिक ये मैं इसमें से मिटा देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ये भी कमेंट करेंगे कि आपने काट दिया था चलिए एक खैर हंसी मजाक की बात होती है विद्युतीय और यांत्रिक कंपनियों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण और पैराशूट पैराशूट तो जानते हैं हेयर ऑयल होता है <laughs> आपातकालीन में उड़ते हुए आपातकाल में उड़ते हुए वायुयान में से सुरक्षा पूर्वक धरती पर उतरने के काम आने वाला ये उपकरण है और पेरिस्कोप क्या होता है एक प्रकाशीय यंत्र जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकते हैं ये पंडुप्पियों में आ गया इसका उपयोग पंडुप्पी युद्धपोत क्रूजर युद्ध क्षेत्र में छिपे सैनिकों द्वारा तोप खाने के अवसरों द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की जो गतिविधि होती है उस पर नजर रखने के लिए होता है तो ये हमने सारे जरूरी यंत्र उपकरण देख लिए हैं इतने ज्यादा भी नहीं है एक दो बार रिवाइज होंगे अच्छे से हो जाएंगे हंसते हुए बड़ी सी एक मुस्कान रखिए चेहरे पे और रिवाइज करते चले जाइए सारी चीजें पूरी होती चली जाएंगी ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब कुछ ऐसा ही मूल मात्रक दिए हुए हैं उनके पदों में व्यक्त कुछ ऐसा ही व्युत्पन्न मात्रक है ठीक है उनकी भौतिक राशि दी हुई और उनकी बेसिकली इकाई दी हुई है बस एक बार देख लीजिए जानते भी होंगे आप लोग इनमें से बहुत सी चीजें तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है वर्ग मीटर ऐसे ऐसे देख लेते हैं सीधा सीधा सांद्रता जो पदार्थ की मात्रा होती है उसकी क्या होती है मोल प्रति घन मीटर आयतन की घन मीटर विशिष्ट आयतन की घन मीटर प्रति किलोग्राम चाल या फिर वेग की मीटर प्रति सेकंड ज्योति तीर्थता की कैंडला प्रति वर्ग मीटर कोणीय वेग की रेडियन प्रति सेकंड शुद्ध गतिक श्यांता की वर्ग मीटर प्रति सेकंड त्वरण की मीटर प्रति वर्ग सेकंड संवेग की किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड कोणीय त्वरण की रेडियन प्रतिवर्ग सेकंड और जड़त्व आघूर्ण की किलोग्राम वर्ग मीटर तरंग संख्या प्रति मीटर है परिभ्रमण त्रिज्या मीटर है दोनों देख लीजिए घनत्व द्रव्यमान घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर रेखीय क्षेत्रीय आयतन प्रसरणीयता प्रति कैल्विन और विद्युत धारा घनत्व एम्पियर प्रति वर्ग मीटर दर घनी मीटर प्रति सेकंड चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय तीव्रता चुंबकीय आघूर्ण घनत्व एम्पियर प्रति मीटर देख लीजिए एक बार पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए दो बार वीडियो देख लीजिए काम बन जाएगा आपका अब विशेष नाम वाले ऐसा के के पदों में व्यक्त मात्रक भौतिक राशि भौतिक राशि दी हुई है कुछ और और उनकी इकाई दी हुई है चुंबकीय आघूर्ण यह है जूल प्रति टेस्ला मोलर एंट्रोपी मोलर धारिता जूल प्रति मोल कैल्विन द्विध्रव आघरण यह है कुल मीटर उप्दासन एक्सपोजर एक्स तथा जो होती हैं एक्स तथा किलोग्राम ग्रे प्रति सेकेंड गति क्षयता पाइसल अथवा पास्कल सेकेंड अथवा न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर संपीड्यता ये प्रति पास्कल युग्म बल आघूर्ण न्यूटन मीटर प्रत्यास्था गुणांक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति वर्ग मीटर सेम दाब प्रवणता पास्कल प्रति मीटर शक्ति घनत्व किरणीत मान उष्मीय फ्लक्स घनत्व यह है वॉट प्रति वर्ग मीटर पृष्ठ विभव जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मा धारिता एंट्रोपी जूल प्रति केल्विन और दाब ऊर्जा पास्कल घन मीटर विशिष्ट ऊष्मा या फिर विशिष्ट एंट्रोपी जूल प्रति किलोग्राम केल्विन आवेग न्यूटन सेकंड विशिष्ट ऊर्जा गुप्त उष्मा लेटेंट हीट जिसको बोलते हैं ये आपका जूल प्रति किलोग्राम कोणीय आवेग न्यूटन मीटर सेकंड विकिरण तीव्रता वॉट प्रति स्टेरिडियन और विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर उष्मीय चालकता वॉट प्रति मीटर कैलविन पृष्ठ ऊर्जा जूल प्रति वर्ग मीटर ऊर्जा घनत्व जूल प्रति घन मीटर और परावैद्युतांक फेराड प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र तीव्रता वोल्ट प्रति मीटर चुंबकशीलता हेनरी प्रति मीटर विद्युत आवेश कुलॉम प्रति घन मीटर मोलर ऊर्जा जूल प्रति विद्युत फ्लक्स घनत्व कुलॉम प्रति वर्ग मीटर कोणीय संवेग या फिर प्लांक नियतांक जूल सेकेंड तो ये कुछ विशेष हैं नाम जिनके हमने अभी इकाई देखी है आप दो बार देख लीजिएगा नहीं होगा सवाल गलत साइंस वाले जो रहे हैं बैकग्राउंड के उनका तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी अब देखिए जो मैंने आपको भी बताया था उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वाले सारे यहां पे हम कवर कर लेंगे इससे बाहर नहीं पूछेगा आपके पेपर में तो डायनेमो ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें करता है रूपांतरित यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण बस ये दो की याद रखिए आप यांत्रिक से विद्युत और इधर से देख लेते हैं चलिए विद्युत बल्ब ये विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करता है जो बल्ब होता है माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत संकेतों में रूपांतरित करता है विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा ऊर्जा का विद्युत में रूपांतरण करता है लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में विद्युत टू ध्वनि ऐसे याद कर लो कैसे भी कर लो बस कर लो और मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है सौर सेल सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में करेगा ना ट्यूबलाइट विद्युत को प्रकाश में विद्युत को प्रकाश ऊर्जा में विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत हीटर ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में करेगा और बिजली का पंखा किस में करेगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करेगा जो थोड़ा बेसिक पे आता है ना आपको तो ये सही कर ले जाएंगे आप कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में टर्बाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में और पवन चक्की विंडमिल यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को, को किसमें करेगा ऊष्मीय ऊर्जा में करेगा और विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में विद्युत अपगठन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परमाणु बम किस में करता है नाभकीय ऊर्जा को ध्वनि प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में करता है देखिए तीन है तीनों याद रखिएगा बिजली का चूल्हा विद्युत को करता है ऊष्मीय ऊर्जा में थर्मोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है विद्युत चुंबकीय विकरण जो होता है जो ऊर्जा होती है उससे रासायनिक ऊर्जा बनती है जल विद्युत बांध गुरु गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है जनरेटर यांत्रिक को विद्युत में टेलीफोन रिसीवर या फिर रेडियो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है और इलेक्ट्रिक स्त्री आय, आयन जो है, कपड़े प्रेस हैं वो विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा हीट एनर्जी में करता है इसी से तो कपड़े प्रेस होते हैं फोटोग्राफिक प्लेट प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक में और रेक्टिफायर प्रत्यावर्ती धारा को एक देश धारा में तो जानते हैं सभी और विद्युत लैंप विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो इससे बाहर तो आप ही बताइए आएगा आएगा या नहीं आएगा और पुराने साल के पेपर देख लीजिए जो भी आया होगा इन्हीं में से आया हुआ होगा इससे बाहर नहीं आया हुआ होगा आगे बढ़ते हैं अब अब हम कुछ आविष्कार और उनके आविष्कारकों के नाम देखेंगे ये बहुत जरूरी है हर साल सवाल आ रहा है लगातार तो इसलिए ये वाला सेक्शन हमारे लिए जरूरी हो जाता है अब ये यंत्र हैं और ये इनके आविष्कारकों के नाम हैं। तो क्रोनोमीटर जॉन हेरिसन रेफ्रिजरेटर हैरिसन एवं कैटलीन बॉलपेन जॉन जे लाउड परमाणु भट्टी एंड्रिको फर्मी लिफ्ट एफ जी ओटिस ओटिस से बस याद रखना बिजली का पंखा व्हीलर डायनमो आप जानते हैं माइकल फैरडे ईमेल रे टॉमलिनसन पेट्रोल चालित कार कार्ल बेंज़ नाम याद रहेगा शायद हेलीकॉप्टर ब्रैकेट या ब्रैके टेलीविजन आप बहुत अच्छे से जानते हैं जेएल बेड मशीनगन जेम्स जेम्स पकल और गैस इंजन डैमलर बैरोमीटर टॉर्शली ठीक है और इसके बाद हम देखेंगे टॉरेसली ऐसे देख सकते हैं आप तो सेफ्टी पिन वॉल्टर हंट कितना इंपॉर्टेंट आविष्कार किया इन्होंने और साइक्लोट्रोन लॉरेंस वायुयान राइट ब्रदर्स राइट बंधु एयर कंडीशनर विल्स हैवीलैंड कैरियर सबसे ज्यादा थैंकफुल तो इनको ही होंगे आप लोग स्टीम बोट रॉबर्ट फॉल्टन मिलिट्री टैंक स्विंगटन और इसके बाद सीस्मोमीटर रॉबर्ट मैलेट तड़क चालक फ्रैंकलिन डायलिसिस मशीन कोल्फ सेक्सटैंड कॉम्पेल लेंस कैमरा सी शेवलियर फोटोमीटर एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग गाइलर मूलर काउंटर ये सब आपने इनका प्रयोग अभी ऊपर देखा है गाइगर तो नाम से ही है। Focal, या कैलकुलेटर पास्कल, टेलीफोन ग्राहम बेल ट्रांसफॉर्मर अगेन फेरोडे होलोग्राफी डैनिश गोबर नाम बहुत अच्छे से याद रहेगा ग्रामोफोन एडिसन टेप रिकॉर्डर पाउल टेलीग्राफ मोर्स वाशर्बाइन पार्सन टेलीग्राफी मार्कोनी डॉक्टरी थर्मामीटर, फॉरन भाप इंजन जेम्स विद्युत बल्ब सब जानते हैं बहुत अच्छे से। एडिसन सिलाई मशीन एलियासहो रे, रेडियो मार्कोनी और स्पेक्ट्रम दर्शी बुन्सन देखिए दो एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा ये क्योंकि इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं लगा सकते आप कोई मतलब रटना ही है शायद लेकिन उसका बेटर तरीका यह है कि आप दो तीन बार इसको देख लें तो जल्दी याद हो जाएगा फाउंटेन पेन वाटरमैन फाउंटेन वाटर ऐसे याद कर लो डीजल इंजन आप जानते हैं रोडोल्फ डीजल ट्रांजिस्टर शैकले पावरलूम कार्टलाइट टाइपिंग मशीन शोल्स रडार आर डब्ल्यू वॉट और आर क्लैम्प डेवी छपाई की मशीन जो होती है वो जे गिटेनबर्ग पंडुप्पी वुशवेल ये इंपॉर्टेंट है टायर डनलप डेनलप क्या है ना टायर्स ग्लाइडर सर जॉर्ज क्रेली साइकिल मैकमिलन दूरबीन हैंड से जेट का इंजन जो होता है वो फ्रैंक हिटले व्हाइटले होगा एक्चुअली डब्ल्यू से होगी स्पेलिंग पर ऐसे लिखा जाएगा ना हिंदी में सेफ्टी रेजर जिलेट, ये, तो ये भी याद रह जाएगा रिवॉल्वर कोल्ट माइक्रोमीटर विलियम गैस कोजीन पैराशूट हेयर ऑयल याद है ना आपको किस लिए काम आता है एजी जी गांड्रिन एयर ब्रेक जॉर्ज वेस्टिंग हाउस स्कूटर ये इंपॉर्टेंट है जी ब्रॉ ब्रॉड शॉ मुद्रन कला ग्यूटेनबर्ग और थर्मोनिक ट्रोयड जे ए फ्लेमिंग रेल इंजन रॉबर्ट स्टीफनसन और ट्रोयड ट्यूब ये आपका लीड लीडी फॉरेस्ट तो ऐसे करके एक बार आप देख लीजिए तो याद हो जाएगा देखिए अब भौतिकी से संबंधित कुछ खोज हैं उनके आविष्कार हैं और उनके खोजकर्ता हैं कुछ नाम हैं जैसे विद्युत धारा ये अलेक्जेंड्रो वोल्टा तो ये नाम से ऐसे याद हो जाएगा फेरनहाइट का जो पैमाना होता है वो फेरन ने तो ये आसान है थोड़े विद्युतीय जो तरंगे होती हैं हेनरिक हर्ट्स यूनिट से याद कर लो इकाई से दाब का नियम पास्कल आप जानते हैं विद्युत बैटरी अलेक्जेंड्रा वोल्टा सेम धारा बैटरी एक नहीं किया सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन स्थिर विद्युत जो है वो थेल्स गुरुत्वाकर्षण का नियम बताने की बात नहीं है विद्युत आवेश बेंजामिन फ्रैंकलिन प्लवन का सिद्धांत आर्कमेडीज दो बार आ गया इसको काट दो प्रकाश की गति फीजो प्रकाश के अपवर्तन का नियम स्नेल और आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जूल प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम ये ओम ओ एच एम वाला प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजीन्स विद्युत आकर्षण का नियम कुलॉम प्रकाश का व्यतीकरण थॉमस यंग विद्युत उष्मा प्रभाव जूल नाम से हो गया ना याद आधुनिक एक्स किरण नली कुलिस और प्रकाश की द्रवों में चाल फोकॉल्ट आ, क्या किया था फोट ने और ऊपर आपने देखा अभी देखिए भूलिए मत जो दो तीन बार नाम है वो याद होना चाहिए डायोड ए फ्लेमिंग संगणु का कृत्रिम विखंडन फर्मी ये बहुत जरूरी है इंपॉर्टेंट है ये ट्रायोड लीडी फॉरेस्ट ऊपर देख चुके हैं प्रेरक कुंडली रूमकार्क कार्क कार्फ डायनामाइट एल्फ्रेड नोबेल लॉग्रिथम जॉन नैपियर लेसर किरने एच मेमन नाबकीय विखंडन ऑटोहोन और ये इंपॉर्टेंट हो गया फिर से और मेसर किरने गॉर्डन गीगर एवं टाउन्स ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जूल ओन्स और शीतल, शीतलन का नियम न्यूटन अभ्रकोष्ठ सीआरटी विल्सन और ऑप्टिकल फाइबर चार्ल्स के काव न्यूट्रीनो पाउली पाउली प्रिंसिपल भी है ना क्या है पाउली प्रिंसिपल जानता है कोई गति विषयक नियम न्यूटन फोटोन आइंस्टीन क्रिच का नियम क्रचॉफ और क्रॉम्पटन कॉम्पटन का प्रभाव जो है वो कॉम्पटन और सेल्सियस का पैमाना सेल्सियस फेरेनाइट का फेरेनाइट ऐसे थोड़े से ये वाले आसान है अब प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिए थे वो और जैसे मतलब किस पे वो काम करते हैं किसने दिए थे नहीं किस पे काम करते हैं जैसे ये पर्टिकुलर कोई प्रौद्योगिकी है और वो किस वैज्ञानिक सिद्धांत पे काम करता है तो भाप का इंजन किस पे करता है ऊष्मा गति के ऊष्मा गति की नियम पे कण त्वरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में जो आवेश कणों की गति होती है उस पे नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन आपने अगर चर्नोबिल एक सीरीज है अब नहीं देखने बैठना है आपको अगर आपने देखी है तो उसमें वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है उसके आखिरी एपिसोड में सोनार पराश्रवित तरंगों का परावर्तन रेडियो तथा तो टेलीविजन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन संचरण संसूचन और प्रकाशिक रेशे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कंप्यूटर अंक तर्क पे अपरावर्ती आवरण र पे अति उच्च चुंबकीय क्षेत्रों का उत्पादन अति चालकता पे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म की तरंग प्रकृति पे और उत्सर्जन के माध्यम से शुरू होता है फिर निरंतर संचालन के दौरान प्रेरित उत्सर्जन द्वारा काम करता है प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव पे रॉकेट नोधन ये रॉकेट नोधन न्यूटन के संवेकिक संरक्षण नियम पे आधारित है तो पूछेगा कौन से नियम पे आधारित है अगर ऐसे पूछेगा तो वैसे तो यही पूछेगा कि किस पे काम करता है ये किस वैज्ञानिक सिद्धांत पे है ये संल्यन परीक्षण रिएक्टर टोकोमैक जो होता है प्लाज्मा का चुंबकीय परिरोध विद्युत जनित्र फेरडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत और वृहत मीटर वेब रेडियो रेडियो टेलीस्कोप और ये जीएमआरटी नाम से फेमस है कॉस्मिक रेडियो किरणों का संसूचन जल विद्युत शक्ति गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण ये सब रूपांतरण अभी हम ऊपर देख चुके हैं बोस आइंस्टाइन दाब आप जानते हैं ये लेजर पुंजो तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा परमाणुओं का प्रकरण तथा शीतलन वायुयान तरल गति की में बर्नौली का सिद्धांत तरल गति की होती है उसमें बर्नौली प्रिंसिपल इस पर काम करता है बर्नौली का सिद्धांत अब भार और द्रव्यमान में अंतर देख लीजिए भार की का सिंबल और द्रव्यमान का स्मोल एम ये भार किस पे काम करता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो किसी भी वस्तु पर लगता है और वस्तु का पदार्थ का परिणाम होता है द्रव्यमान ये मात्रक इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन इसका किलोग्राम ये एक सदिश राशि है और ये एक अधिश राशि है दोनों तो में क्या फर्क होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सदिश राशियां और अधिश राशियों में क्या फर्क होता है कुछ एग्जाम्पल्स के साथ उनके कुछ उदाहरण के साथ वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है सबसे जरूरी है इसमें किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है याद रखिएगा अब ऐसे सवाल आते हैं कि नहीं आते हैं कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल माध्यम है और ध्वनि की चाल दी हुई है और देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू दो ये यूनिट दिया हुआ है किस पे बात करिए वायु 332 भाप 100 डिग्री पे 405 और अल्कोहल 1213 सो तेरह ऐसे याद कर लो और एक हजार दो सौ तेरह हाइड्रोजन ट्वेल्व सिक्सटी नाइन ऐसे याद करो पारा चौदह पचास बस ये देखो कम से ज्यादा थोड़े से अंदाजा होना चाहिए आपको किसकी किसकी कम है किस ज्यादा है जल 1493, समुद्री जल उससे थोड़ी सी ज्यादा लोहा इक्यावन तीस कांच और देखो एल्यूमिनियम की कितनी ज्यादा है तो ध्वनि की चाल जो है इन माध्यमों में क्या रहेगी बस ये ध्यान रखो वो लिखेगा इन चारों में से सबसे ज्यादा किसमें होगी तो वो पास पास की नहीं लिखेगा वो दूर दूर की लिखेगा तो एक तुलनात्मक तौर पे आपको पता होनी चाहिए चीजें इसलिए ये डब्बा छोटा सा यहां पे बना दिया हमने चलिए बढ़िया अब कुछ अवस्था है और वो पदार्थ क्या मतलब ठोस क्या रहेगा जो उनकी चाल दी हुई है ठीक है चलिए अब ठोस देख लीजिए आप ये पदार्थ क्या क्या है इसमें एल्यूमिनियम निकल इस्पात लोहा पीतल लो होगा ये तो और कांच फ्लिंट फ्लिंट कांच जो होता है तो उनकी चाल देख लीजिए देखिए एल्यूमिनियम की काफी ज्यादा है इनमें से तो अगर ये आए ऐसे तो सबसे कम इनमें कांच की होगी और द्रव की बात करें तो द्रव क्या जल समुद्र वाला और आसुत इथेनॉल मेथेनॉल मे मे इनका देख लीजिए तुलनात्मक तो देखना है आपको बस रट्टा थोड़ा थोड़ी जाएगा इनका इसकी चाल क्या है अवस्था गैस की देखिए हाइड्रोजन हीलियम वायु ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड तो देखिए हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है तो आपको एक अंदाजा रहना चाहिए डब्बे में हाइड्रोजन सबसे ऊपर लिखा हुआ था ऐसे आपको ध्यान रखना है अब कुछ ध्वनि के स्त्रोत हैं और उनकी तीव्रता डेसिबल में नपती है डीबी जिसका सिंबल होता है अब आपको ये भी तुलनात्मक याद रखनी है देखिए फुसफुसाहट फुसफुसाहट क्या होती है विस्परिंग जैसे ध्वनि के स्त्रोत ऐसे समझे मतलब <laughs> तो बताने के लिए बता रही हूँ तो पंद्रह से बीस होती है बस साधारण बातचीत चालीस से साठ होती है लाउड स्पीकर का सत्तर से अस्सी होता है जोरदार बातचीत सत्तर से अस्सी अब हमारी बातचीत आप बता दीजिए साधारण है या जोरदार है भारी मोटर वाहन मोटर बाइक नब्बे से पिचानवे होता है पत्तों की सरसराहट देखिए वो भी बीस फुसफुसाहट जैसी है सरसराहट ऑर्केस्ट्रा की देखिए थोड़ी ज्यादा है फिर रॉकेट की देख लीजिए साइरन की देखिए आप मिसाइल लॉन्च जो होती है तब तब देखिए कितनी आवाज होती है इस तरीके से ये आप देख लीजिए एक छोटा सा सवाल आ जाए एक तो देखिए एक सवाल से तो बहुत कुछ बन और बिगड़ जाता है कुछ सेलों का विद्युत वाहक बल यहाँ पे दिया हुआ है बस देख लीजिए वोल्टेक सेल का ये कार बैटरी सेल का ज्यादा होता है ऐसे ध्यान रख लीजिए हाँ डैनियल सेल का दिया हुआ है एक पॉइंट जीरो आठ वोल्ट शुष्क सेल का एक पॉइंट पांच जीरो वोल्ट लेको एल का है डेढ़ सीसा संचायक चल जो लेड से होता है वो दो दिया हुआ है और देखिए कार बैटरी का काफी ज्यादा है तो इस हिसाब से ये भी तुलनात्मक तरीके से ही आपको चीजें देखनी है रटनी नहीं है एक चीज है भी नहीं संभव भी नहीं है याद रखना है इतना कुछ इस तरीके से आप ये देख सकते हैं अब प्रतिरोधकता और प्रतिरोध के बीच अंतर प्रतिरोध क्या होता है ये किसी चालक का वो गुण है इसके माध्यम से विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करता है और यह पदार्थ की आकृति और आकार जैसे कि लंबाई क्षेत्रफल तापमान प्रकृति पर निर्भर करता है तो उसको हम प्रतिरोध कहते हैं ये वो गुण है जो उनके माध्यम से प्रतिरोधकता की बात हो रही है प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करता है लेकिन ये जिन चीजों पर यह निर्भर करता है ना प्रतिरोध ये उनसे स्वतंत्र है पदार्थ की आकृति और आकार से स्वतंत्र है लेकिन प्रकृति और तापमान इसलिए अलग अलग हैं चार में से ये चारो चारों में से चारों पर निर्भर करता है इस प्रतिरोध तो लेकिन ये दो पे दो से स्वतंत्रता है और स्वतंत्र है और दो पे निर्भर करता है स्वतंत्र किससे है आकृति और आकार से और निर्भर किस पे करता है प्रकृति के प्रकृति नेचर पे और तापमान पे तो उसे प्रतिरोधकता कह देते हैं इसको आर कैपिटल आर से दर्शाया जाता है और इसे ये कैसे भी बोल लीजिए आप इसको उससे दर्शाया जाता है इसकी इकाई क्या है ओम इसकी जानते हैं आप ओम मीटर है ये दिए गए पदार्थ पदार्थ के लिए एक स्थिर पद नहीं है इसे उस पदार्थ की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को परिवर्तित करके बदला जा सकता है ये एक स्थिर पद है इसे पदार्थ की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो होता है उसको परिवर्तित करके आप इसको नहीं बदल सकते प्रतिरोध को एक वस्तु के वर्तमान प्रवाह के पूर्ण विरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है पूर्ण विरोध ये कुछ कीवर्ड याद रखिए बस किसी वस्तु के प्रतिरोध का वर्णन करने के लिए एक अधिक पारंपरिक वाक्यांश इसकी प्रतिरोधकता है यह प्रति घन मीटर किसी दी गई वस्तु द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रतिरोध की मात्रा है यह लाइन सबसे जरूरी है बस इतनी सी बात है तो मेरे हिसाब से इतनी आपको चीजें यहां पे बिल्कुल साफ हो गई होंगी अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे रसायन विज्ञान की तरफ ठीक है चलिए तो शुरुआत करते हैं